आज हम लोग बात करेंगे वर्तमान समय में दुनिया भर में पनप रही भीड़ हिंसा के बारे में। दरअसल यह हमारे फोर्थ पेपर के केस स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप पुलिस या प्रशासन में तैनात अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में इस तरह की भीड़ हिंसा पनपती है तो आप उसे किस तरह नियंत्रित करेंगे? आज के समय में यह एक ज्वलंत प्रश्न है। इतने विशाल जनसमुदाय को जो हिंसा पर उतारू है उसे किस तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो आइए देखते हैं। हम पहला मुद्दा उठाते हैं बांग्लादेश के न्यू मार्केट में हुई हिंसा का। एक ओर बांग्लादेश के ढाका शहर में स्थित ढाका कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो दूसरी ओर वहां पर स्थित न्यू मार्केट के दुकानदार हैं। ये लड़ाई ना तो धर्म की लड़ाई है और ना ही जात पात की लड़ाई है। यह लड़ाई स्पष्ट रूप से वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई भी ऐसी नहीं है कि किसी को सत्ता पानी है या किसी को जमीन हथियाना है। यहां लड़ाई का मुद्दा है खाने की मेज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो हिंसक पथराव हो रहा है उसके मूल में यही खाने की मेज लगाने को लेकर हुई हिंसक झड़प है, जिसने अब हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। दरअसल बांग्लादेश की न्यू मार्केट में दो दुकानें हैं, वेलकम और कैपिटल। इन दुकानों में से एक दुकान ने ढाका कॉलेज के विद्यार्थियों के एक समूह को अपनी ओर कर लिया है ताकि जब भी कुछ बातें हो तो एक अच्छा खासा संख्या बल उनकी ओर आ सके और उनका साथ दे सके। 18 अप्रैल को इफ्तारी के वक्त एक दुकान में खाने की टेबल लगाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद छात्रों ने दुकानदार को पीट दिया, फिर दुकानदारों ने मिलकर छात्रों को पीटना आरंभ कर दिया। इसके बाद वहां दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया और इस तरह आपसी कहा सुनी से शुरू हुई घटना एक दंगे के रूप में तब्दील हो गई। इस समय पूरा विश्व भीड़ के खतरे से उत्पन्न हुई समस्या से जूझ रहा है। स्वीडन में अभी एक दो रोज पहले दंगे की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। आमतौर पर नॉर्डिक देशों में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती थीं, मगर 21वीं सदी में हर अनहोनी होनी में तब्दील हो रही है। भारत में भी अनेक हिस्सों से अब भीड़ प्रायोजित हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर इन घटनाओं का पैटर्न क्या है? कैसे एक चिंगारी भीषण आग में तब्दील हो जाती है? कैसे एक व्यक्तिगत आक्रोश सामूहिक आक्रोश में बदल जाता है? अगर इसका पैटर्न समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि इन घटनाओं के पीछे एक तात्कालिक कारण जरूर होता है, मगर इसको विकराल स्वरूप देने के पीछे एक ऐसी सोच होती है जो लंबे समय से उन्माद की विचारधारा का हिस्सा है। वो जो करना चाहता था उसे अब कारण मिल गया है, अब वो इसे अपना स्वार्थ साधन का माध्यम बनाएगा। अगर भीड़ प्रायोजित दंगों के हम वैज्ञानिक मनोविज्ञान की पड़ताल करें तो हम इनके होने की वजहों के तीन कारकों को खोज सकते हैं। नंबर एक, उन्मादी भीड़ का सिद्धांत। भीड़ में शामिल लोग जिनके सोचने समझने की शक्ति और विवेक पर ताला लग गया है, अब वो वही सोच रहे हैं जो उनके आका उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी पृथक पहचान अब समाप्त हो गई है, वो अब भीड़ के नजरिए से और भीड़ के लिए ही सोच पाते हैं। नंबर दो, सामूहिक हिंसा का सिद्धांत। भीड़ में शामिल सभी लोगों को उस भीड़ का लंबे समय तक हिस्सा बनाने के लिए एक मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव ऐसा हो जो उन्हें लाल पीला कर दे, साथ ही वो उस दंगे से लाभ पाने वाले हितधारकों के लिए समर्पित भी हो जाएं। इसके लिए भीड़ के संचालकों ने अब जो सबसे मुफीद और कारगर रास्ता खोज लिया है वो है भीड़ को हिंसा की आग में झोंक देना। इसका तीसरा कारण है अराजक व कुत्सित विचारधारा से प्रेरित नेतृत्व का सिद्धांत। एक बुरा व्यक्ति ही उन्मादियों के समूह का नेतृत्व करता है। इसे प्रारंभ में व्यक्तिगत स्तर पर शुरू किया जाता है। विवाद सामूहिकता अर्जित करते ही दंगे के रूप में बदल जाता है, जैसा कि आप बांग्लादेश में हुई हालिया घटनाओं के संदर्भ में देख सकते हैं। इस प्रकार भीड़ हिंसा हिंसा का सबसे विद्रूप चेहरा प्रस्तुत करती है, जिसमें किसी व्यक्ति का चेहरा तो नहीं होता है, लेकिन यह हमारे मानवीय मूल्यों के लिए सबसे बड़ा कलंक है और इसका निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप सभी लोग इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव सोचिए, और ये सुझाव अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका और समस्याओं के हल करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन ये एक ज्वलंत मुद्दा है और हमारे फोर्थ पेपर के केस स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अतः आप लोग इसके लिए स्वयं विचार करिए। धन्यवाद।